गज जनपद जाते थे, पर आज क्या हालत है? आज बिना परमिशन से न मोदी से मिल सकता है, न नड्डा साहब से मिल सकता है, और उनकी हालत ऐसी हो रही कि घर का कुत्ता न घर का न घाट का, यह हालत हो गई है। आज वो अपना विधान लोकसभा में आखिरी बेंच पे बिठा दिए और बस ताली बजाते रहो। और कांग्रेस में था उसको अपना अग्रिम पंक्ति में बैठता था, पीछे पंक्ति की दूसरी जगह बैठता था, और उसमें अगर वो यहाँ रहता कांग्रेस में तो उसको चीफ मिनिस्टर बनने का ही मौका मिलता। अगर युवाओं की बात आती, राहुल जी कहते नहीं युवा बनना, तो सिंधिया जी का नंबर था। पर अब भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उसको तो ये सब सपने भूल गए, न तो चीफ मिनिस्टर बन सकता है ना कोई और आगे लागते। 2022 में उनकी हालत अलग और ज़्यादा बदतर कर देंगी वो, तो ये सारी चीज़ें भाई। कांग्रेस में अगर कोई अगर अपनी गलती रियलाइज करके वो कहे मेरी गलती हो गई और माफीनामा लिख के आ जाए तो ले सकते। तो राहुल जी ने कहा कि वो वापस आए, उसके लिए दरवाज़ा खुला है। नहीं, अब सिंधिया जी पेशकश कर रहे हैं तो अगर मान लो अपनी गलती रियलाइज करके आएंगे तो अवश्य हाईकमान माफ़ कर देगा, उसको ले भी सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं।